Hey everyone, welcome back to my channel Style with Passion. मैं हूँ आपकी स्वाति एंड आज आपकी स्वाति कैसी लग रही है? Good. But I'm going to make this look super with the help of this. ये है iconic hair spray Elnett by L'Oreal Paris and this is a new launch by L'Oreal Paris and ये आपके hair की हर तरह की समस्या को सॉर्ट कर देता है. स्पेसिफिकली मेरी समस्या हेयर की जो है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि मैंने स्ट्रेटनिंग कराई थी एंड स्मूथनिंग भी कराई थी एंड बहुत जगह घूमने की वजह से दोबारा पुरानी हालत में आ चुके हैं और बेबी हेयर बहुत सारे आके हैं और उसकी वजह से आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ तो वो जो बेबी हेयर है ऐसे सींग की तरह खड़े हो जाते हैं. बट आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एलनेट हेयर स्प्रे जो कि L'Oreal Paris का है एंड इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे लगा कि इसका रिव्यू देना तो बनता है, बिकॉज जिसको भी प्रॉब्लम है अपनी हेयर से, मतलब आपके हेयर अगर फ्रिजी है या मैनेज नहीं हो पा रहे हैं या बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हेयर स्टाइल बनाने के बाद दिखते हैं, तो ये सारी समस्या का समाधान करेगा. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एड इनटू योर ब्यूटी किट और आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हैं. तो अभी मेरे हेयर पे मैंने नहीं लगाया है बिकॉज आपको पता लगना चाहिए कि लगाने के बाद डिफरेंस क्या है. तो मैं इस एलनेट हेयर स्प्रे को यूज करते हुए एक हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी एंड इससे जो भी आप हेयर स्टाइल बनाते हो, कोई भी, चाहे ओपन हेयर हो, चाहे पोनी हो या एनी अदर हेयर स्टाइल, आपके ऊपर 24 आवर्स तक टिकी रहती है, तस से मस नहीं होती है. वो अलग बात है कि आप मतलब पूरे सर के बल अगर पलटियां मारोगे तो कोई भी हेयर स्टाइल तो खराब होगी, लेकिन अगर आप इसको लगा के अपने घर के कोई भी काम कर लो और यू हैव टू शूट वीडियो, आप पूरे दिन में जो है आपको बार बार अपने हेयर का जो है सेटअप नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आपके हेयर तो वैसे के वैसे रहेंगे. तो अभी जैसा मेरा मेकअप इंटैक्ट है, मेकअप फिक्सर से स्प्रे किया है तो मेरा मेकअप भी नहीं हिलेगा एंड इससे मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो मेरा हेयर स्टाइल भी नहीं हिलेगा. तो मैं इसके बिफोर आफ्टर इफेक्ट भी दिखाऊंगी एंड 4-5 घंटों के बाद मेरा हेयर कैसा रहता है हेयर स्टाइल बनाने के बाद वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. लेट मी स्टार्ट द रिव्यू फॉर यू. तो चलिए अभी मैं एक हेयर स्टाइल बनाती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बिफोर का लुक दिखा देती हूँ. देख रहे हैं आप मेरे ऊपर ये जो ये वाले जो बाल है कैसे फ्रिजी होके उठ रहे हैं. तो चाहे मैं इसको कितना भी कॉम्ब कर लूँ वो जो ऊपर बेबी हेयर्स है वो ऊपर आ ही जाते हैं. सो दिस इज द बिफोर इफेक्ट. मैं आपको कंपेरिजन भी दिखाऊंगी एंड जनरली आप जब भी कोई हेयर स्प्रे यूज करते हो उसके बाद आपके हेयर स्मूथ नहीं रहते, यू कैन नॉट रन योर फिंगर्स उसके अंदर से, थोड़े से फंसते रहते हैं. जैसे कि अभी मेरे कहीं कहीं थोड़े से अड़ रहे हैं लेकिन इसको लगाने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही मैनेजेबल भी हो जाते हैं बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक माइक्रो डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो आपके हेयर को सॉफ्ट भी रखती है, मैनेजेबल भी रखती है और आपको 24 आवर्स तक जो है आपके हेयर के साथ दोबारा हेयर डूज करने की जरूरत नहीं है. मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी ड्रेसेस चेंज करो, मेकअप ड्रेसेस के हिसाब से चेंज करो और फिर यू आर गुड टू गो. सो मैं आपको रेगुलर, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं या तो पोनी बना सकते हैं या खुले बाल भी रख सकते हैं, स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, तो मैं एक नॉर्मल फिस्टेल वाली जो हेयर स्टाइल रहती है साइड वाली वो बना के दिखाती हूँ एंड मैं थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ. इसको थोड़ी दूर से करना है स्प्रे, बहुत ज़्यादा नज़दीक से नहीं करना है, बस इतना रहेगा गैप तो काफ़ी है. एक फीट बोल सकते हैं, एक फीट गैप रहे तो काफ़ी है. ये देखिए इसकी स्मेल, इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है. सो यू नो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज. इसको लगाने के बाद आपके बालों में इंस्टेंट शाइन भी आ जाती है और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, बहुत डिफरेंस रहता है. सो ये देखिए पहले हेयर स्प्रे के बाद यू कैन सी द डिफरेंस एंड बिल्कुल भी स्टिकी वाला इफेक्ट नहीं आता है. जैसे बाकी हेयर स्प्रे में ऐसा लगता है कि जैसे आपने तेल लगा के या सर से नहा के आके आपने कुछ लगा लिया है, बट हेयर थोड़ी देर के बाद ये और भी बम्पी एंड और भी शाइनिंग हो जाता है इंस्टेंट. दिस इज द रिजल्ट. एंड अभी मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ.
मेरी हेयर स्टाइल बन चुकी है एंड मैंने हेयर स्प्रे कर लिया। एंड आपको कहीं भी अगर बेबी हेयर्स दिखते तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कोम ले सकते हैं, कोम के ऊपर थोड़ा सा ऐसे स्प्रे करके यू कैन जस्ट गिव अ टच, सो आपके जो बेबी हेयर्स है वो साथ में चिपक जाएंगे। साइड भी थोड़ा कर लेते हैं एंड जो भी कुछ होगा एवरीथिंग विल सेटल डाउन। एंड देखिए अभी मेरी हेयर स्टाइल बन चुकी है एंड इसमें कोई हार्ड लुक सा नहीं आता है कि आपने कुछ लगाया है, नेचुरल जैसा रहता है वैसे ही रहता है। लेकिन मार्केट में आपको बहुत सारे स्प्रे मिल जाएंगे जिसको लगाने के बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपने कुछ लगा के रखा है। एंड दिस इज माई लुक, आप हेयर स्टाइल भी देख सकते हैं। एवरीडे ऑफिस पर्पज के लिए आप अगर ऐसी वाली हेयर स्टाइल बना देंगे और आपके आउटफिट के साथ भी काफ़ी अच्छी तरह मैच कर रही है। सो दिस इज द हेयर स्टाइल। एंड अभी मैं अपने घर के थोड़े बाकी काम भी कर लेती हूँ बिकॉज वी एज इन्फ्लुएंसर हैव मेनी टास्क टू डू। घर का भी काम करो, बच्चों को भी संभालो एंड अपने वीडियोज़ भी बनाओ, तो बार बार रेडी होना मुश्किल है एंड बार बार हेयर स्टाइल बनाना भी मुश्किल है। एंड ये जो है पूरे दिन के लिए मेरे बाल सेट हो चुके हैं और मैं इसको एवरीडे यूज़ करती हूँ। तो अभी टाइम क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ घंटों के बाद जब मैं आपको दिखूंगी तब भी आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्या चेंज आया है हेयर स्टाइल में या नहीं आया है। आई लव दिस एलनेट का हेयर स्प्रे बिकॉज इसने जो मेरी समस्या थी ना, जो झाड़ू जैसे बाल उगते थे, वो सारी समस्याएं ठीक कर दी है एंड बार बार हेयर को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो अभी टाइम हो रहा है ये एंड इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मिलते हैं, मतलब कुछ घंटों के बाद, चार घंटों के बाद अप्रॉक्सीमेटली, साढ़े तीन चार घंटों के बाद चलो मिलते हैं। हेलो, सो फाइनली आई एम बैक। बच्चों को खाना वाना खिला दिया है क्योंकि लॉकडाउन में तो ज़्यादातर जो है यू नीड टू बी बिहाइंड योर चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है उन लोगों के लिए। एंड मैं भूल गई थी कि मुझे बताना भी है। एंड देखो हेयर में एक बम्प भी आ गया अभी, क्योंकि जब इंस्टेंटली आप लगाते हैं तब थोड़ा गीला रहता, थोड़ी देर के बाद शाइन एंड बम्प आ जाते हैं एंड यू कैन सी दैट शाइन ऑन माई हेयर, राइट? सो दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। सो देख रहे हैं आप, बिल्कुल तस से मस नहीं हो, बल्कि पहले से और ज्यादा अच्छे हो गए हैं, क्योंकि इंस्टेंटली आपको लगा होगा थोड़ा सा मतलब चिपका चिपका है बिकॉज इट्स अ स्प्रे, तो सूखने का टाइम भी देना चाहिए। जैसे अपन लोग मेकअप स्प्रे डालते हैं अपने चेहरे पे सेट होने के लिए, सूखने के बाद वो एकदम इंटैक्ट हो जाता है, वैसे ही इसको लगाने के बाद, तब थोड़ा सा गीला गीला था इंस्टेंटली, अभी पूरा सूख के अच्छी तरह सूख गया है। एंड कुछ भी कर लो अभी ऐसे ही रहने वाला है पूरे दिन। एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गो फॉर अ हेयर वॉश नेक्स्ट डे, अप टू यू। अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप दोबारा जो है दोबारा हेयर स्टाइल बना सकते हो और थोड़ा सा हेयर स्प्रे कर सकते हो अगर कुछ चेंज कर रहे हो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। को अब तक का बेस्ट हेयर स्प्रे लगा है ये, मैंने इससे पहले भी यूज़ करे लेकिन मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आए वो। अच्छा ये घंटी बजी तो मुझे याद आया, टाइम भी दिखाना है, अभी हो रहा है टाइम ये, तो मैं आपको इससे पहले कितने बजे मिली थी, 11 बजे ना, 11 बजे के आसपास, एंड अभी हो रहे हैं 3:30। तो इस गैप में हेयर और भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एक भी बेबी हेयर निकला नहीं है। देखो थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आए एंड ही वाज लाइक कि कुछ वीडियो शूट कर रहे हो, कि मैं बोला नहीं क्यों क्या हुआ, बोलते मतलब रेडी हुए से दिख रहे हो, मैं बोला नहीं मैं तो कुछ रेडी नहीं हुई। तो मेन रोल आपके बाल ही प्ले करते हैं, जो आपको रेडी हो या नहीं वो फाइनलाइज करते हैं। तो मेरे हेयर में ये स्प्रे करके रखती हूँ मैं रोज, एवरी डे मैं यूज करती हूँ। तो आई एम इन लव विद दिस लॉरियल पैरिस का एलनेट हेयर स्प्रे, दिस इज वंडर प्रोडक्ट आई टेल यू। एंड मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी इसको रिकमेंड किया है, उन लोगों ने मुझसे बोला था कि कहाँ से लिया है, तो मैंने ऑनलाइन ही लिया है। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो तो परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड इसको लगाने के बाद आपके हेयर भी इतने स्मूथ लगते हैं ना, देखो क्या शाइन आई है, क्या शाइन आई है, वाओ वाओ। देखो मैं इसमें उंगली ऐसे फिरा रही हूँ, अगर आपने कोई दूसरा हेयर स्प्रे लगाया होता है तो आपके हाथ ऐसे जाते ही नहीं है अंदर, इतना कड़क कड़क सा रहता है वो, एकदम पपड़ी बनी होती है, बट दिस इज लाइक वेरी स्मूथ। मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई, स्मूथनिंग कराई, उसके बाद स्मूथ बाल देखने की ना आदत हो गई, और जब वो देखने के लिए नहीं मिल रहे थे मुझे लग रहा था कि कैसे सेट करूँ कैसे सेट। एंड गरिमत है कि दैट आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद दिस लॉरियल पैरिस एलनेट हेयर स्प्रे, तो मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ, पक्का यूज करो, आपके ब्यूटी किट में डिफॉल्ट होना चाहिए, कुछ हो ना हो ये स्प्रे पक्का होना चाहिए। एंड रही बात इसके कॉस्ट की, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, एंड अगर अफोर्डेबल नहीं भी होता तब भी आपको इसको रखना ही चाहिए था, बिकॉज इसके काम इतने न्यारे हैं दैट यू कुड नॉट रेसिस्ट योर सेल्फ विदाउट कीपिंग दिस इन योर ब्यूटी किट। तो ये पक्का होना चाहिए, आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे आप क्लिक करके इसके बारे में इसका चिट्ठा पूरा देख सकते हैं। एंड मैंने प्रैक्टिकली आपको सब कुछ दिखाया है एंड
बहुत ही भरोसेमंद प्रोडक्ट है, आपका विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ेगा ये। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिए वहाँ पे, एंड वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। आप सबसे पहले तो शेयर अपने फैमिली मेम्बर्स में कर दीजिए, और उसके बाद उनको बोलो कि हर जगह इसको फैला दो, बिकॉज लड़कियों के लिए क्या, लड़कों के लिए भी बहुत यूज़फुल है ये। आपके हस्बैंड्स, आपके भाई, आपके पापा, कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड दे विल लव इट। के जो जेल्स लगाते हैं ना, वो भी यूज़ करना बंद कर देंगे वंस दे स्टार्ट यूजिंग दिस, एंड आई कैन गारंटी दैट। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।